नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे लैडल के बारे में, जो एक पावरिंग एलिमेंट्स है। यानी कि ये क्या करता है, जो लैडल होती है ये हमारा मोल्टन मेटल जो होता है उसको कैरी करता है और उसको मोल्ड में डालते हैं। तो लैडल हमारे कई तरह के होते हैं। लैडल का यूज़ करके मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर यानी कि कैविटी के अंदर डाला जाता है, जो कि हम कास्टिंग में बनाते हैं। तो लैडल जो है उसके हम मेनली जो तीन टाइप हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है होल्डिंग लैडल, फिर है पोरिंग लैडल और फिर है टी पोट लैडल। तो अलग अलग तरह की लैडल हमारे पास होती हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले आती है होल्डिंग लैडल। होल्डिंग लैडल क्या होती है, काफ़ी सारी बड़ी एक लैडल होती है इस तरह की, जो कि स्टील शेल की बनी होती है। इसकी जो ये शेल होती है ये स्टील की होती है, तो ये स्टील शेल होती है और इसके अंदर जो होती है ब्रिक लाइनिंग लगी होती है, ताकि इसके अंदर जब मोल्टन मेटल को डाला जाए, जो ब्रिक लाइनिंग है एक तरह से टेम्परेचर को मेंटेन रखे और इसको गर्म रखे, जो हमारा मोल्टन मेटल होता है, और वो ठंडा ना हो पाए जल्दी। तो इसलिए इसके अंदर ब्रिक लाइनिंग लगाई जाती है और इसके अंदर इसके बाहर जो होती है वो स्टील सेल होती है। तो इसको होल्डिंग लैडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये होल्ड करने के काम आती है मोल्टन मेटल को। और इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह दी गई है ताकि आप इसके थ्रू इसको डाल सकते हैं दूसरी लैडल्स में, छोटी छोटी जो लैडल्स हैं, और आगे उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोल्ड तक। तो होल्डिंग लैडल क्या होती है, एक बड़ी लैडल स्टील की बनी हुई, फायर ब्रिक्स जो उसके अंदर ब्रिक्स लगी होती हैं ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके और जो मोल्टन मेटल है हमारा जल्दी ठंडा ना हो। दूसरी होती है पोरिंग लैडल। पोरिंग जो लैडल है इसका यूज़ किया जाता है, अगर स्मॉल कास्टिंग की बात करें, जो मोल्टन मेटल है उसको डालने के लिए जो हमारी कैविटी होती है। मान लीजिए इस तरह का आपका जो ड्रैग और कोप बॉक्स है, नीचे वाला ड्रैग है ऊपर वाला कोप है, और इसके बीच में यहाँ पे ये मान लीजिए कैविटी है और यहाँ पे ये स्प्रू लगी है, रनर और गेट्स के थ्रू ये कनेक्ट है और यहाँ पे राइजर लगा है। देखिए ये जो है पोरिंग जो लैडल है इसके अंदर क्या होगा, मोल्टन मेटल होगा। तो इसको पकड़ने के लिए भी, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा जब इसके अंदर मोल्टन मेटल यानी कि हॉट मेटल डलेगा, तो उसको पकड़ने के लिए भी ये चीज़ इसके साथ लगाई गई है। तो इसको इजीली ऑपरेटर जो है पकड़ सकता है और इसके थ्रू इसको इसके अंदर डाल सकता है, और यहाँ से जो मोल्टन मेटल है इसमें से डालेंगे और ये जो है मोल्ड कैविटी तक पहुँचेगा। तो जो पोरिंग लैडल है उसका यूज़ क्या होता है, मोल्टन मेटल को पोर करना यानी कि डालना जो हमारी मोल्ड कैविटी है उसके अंदर, विद द हेल्प जो स्प्रू है, रनर हैं, गेट्स हैं, उनके थ्रू जब मोल्टन मेटल चलेगा कैविटी तक पहुंचेगा। तो पोरिंग लैडल का यूज़ किया जाता है मोल्टन मेटल को डालने के लिए, कैविटी तक पहुंचाने के लिए। जैसे स्मॉल कास्टिंग में हम इसका यूज़ करते हैं, इसी तरह से लार्ज कास्टिंग के लिए हमारी टी पोट लैडल होती है। टी पोट लैडल क्या होती है हमारी, एक तरह की अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ी कास्टिंग है तो हम इस तरह की जो लैडल है उसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे गाइड लगाई गई हैं जिसको हम मोनोरेल भी बोलते हैं। ये मोनोरेल है, ये क्या करती है, इसके अंदर ये दो इस तरह के रोलर्स लगे होते हैं, इसी तरह से ये बड़े होते हैं रोलर, तो इनके ऊपर इस तरह से ये जो है इस तरह की बेल्ट लगी होती है या चेन लगी होती है, जिसके ऊपर इस तरह का हमारा मैकेनिज्म लगा होता है। अब इसके अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे ये क्या लगा है, ये हैंड व्हील है। हैंड व्हील का काम क्या है, जैसे ही हम इसको घुमाएंगे तो ये जो है ये पूरा पोर्शन जो है अप और डाउन होता है, यानी हम इसको अप और डाउन कर सकते हैं। अब देखिए इस तरफ से भी ये हुक के थ्रू, इस चेन के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट है। अब ये जो है, ये चीज़ जो है हमारी इससे कनेक्ट है, जो हमारी लैडल है ये लैडल है। अब इस लैडल के अंदर क्या है, इस लैडल के अंदर मोल्टन मेटल है, हॉट मेटल है। ये हमारा यहाँ पे गियरिंग मैकेनिज्म के थ्रू, यहाँ गियर्स लगे हैं, ये गियर लगे हैं, और यहाँ पे ये हैंड व्हील है, ये हैंड व्हील है। जब आप इसको घुमाते हैं तो गियर्स के थ्रू ये जो लैडल है ये क्या होती है, मोल्टन मेटल को बाहर गिराती है और आप इसी को घुमा के इसको फिर से सीधा कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा बड़ी कास्टिंग होती है, जहाँ कैविटी आपको फिल करनी होती है, बड़ी कास्टिंग होती है, तो उसके अंदर इस तरह की जो टी पोट लैडल है उसका यूज़ किया जाता है। इसको देखिए आप किसी तरफ मूव कर सकते हैं, इस तरफ मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, और यहाँ से गियर मैकेनिज्म के थ्रू आप मोल्टन मेटल को इजिली पोर कर सकते हैं जो आपकी कैविटी है। तो ये थी हमारी लैडल, जो हमने मेन टाइप इसके डिस्कस किए हैं, होल्डिंग लैडल, पोरिंग लैडल और टी पॉट लैडल। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।